अमावस्या की कहानी है, नई है ना पुरानी है। The whole play rhymes, as I said, so there is a certain the whole play is a fantasy. People in very weird costumes and speaking in weird ways, and the whole it's slightly playful and slightly slapsticky. तुम्हारे शब्द अब मेरी मान की मर्यादा को पार कर रहे हैं कौशल्या। आप पूछेंगे कि मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ जो आज बसों और ट्रेनों में चढ़ने से डरता है। ये खेल आखिर किस लिए? मन नहीं उठता? जिंदगी भर तो ये खेल खेल रहे हैं हम। तू नहीं थकेगा, तू नहीं थकेगा। वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है। मगर दुर्योधन क्या भी न दे सका, आशीष समाज की न दे सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आइए साहब, बैठिए बैठिए। क्या साहब, बहुत दिन के बाद आया आप यहाँ पे। आपने अपनी अशोक यात्रा में देख लिया कि एक राजा का जनमानस में कितने गहरे बैठ चुका। शासन अब क्या चाहता है? नहीं, यहाँ मेरे छाते के बगल में, वो भी उन दिनों के लिए जिस दिन बारिश नहीं हुई हो। जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन छाता वहां रखेंगे बाथरूम के बाहर, उधर बड़े साहब के दरवाजे के बाहर नहीं, ये तो बहुत नाराज होते हैं। अरे एक बार की बात, चलो छोड़ो। So a princess is born, she is white skin and has is blonde and therefore so hideous कि जो भी उसको देखता है वो तीन दिन के लिए सो जाता है। So जैसे वो जन्म उसकी माँ सो जाती है, पूरा शहर सो जाता है। So what they do is they sheath her fully, funky sa mask vaas laga ke. Every inch of her skin is hidden away. And they advertise that she is black as the moonless night. And they name her Amavasya. Jaisa har kahani mein hota hai, ek raja hai, ek rani hai, ek raja hai, एक रानी है।